शाहरुख खान को इस बात को याद रखना चाहिए कि अगर इस देश का बहुसंख्यक समाज उनकी फिल्मों का बहिष्कार कर देगा तो एक आम मुसलमान की तरह उनको भी सड़कों पे भटकना पड़ेगा। तो योगी जी, मैं जरा आपको बता दूं, आपके बहुसंख्यक समाज ने पठान का बॉयकॉट भी कर लिया, पठान का विरोध भी कर लिया, पठान का बहिष्कार भी कर दिया, फिर भी पठान 25 जनवरी को रिलीज भी हो गई। और बड़े ताज्जुब की बात है, इतना ज्यादा बहिष्कार, बॉयकॉट और विरोध के बाद भी पठान का पहले दिन का कलेक्शन लगभग 50 करोड़ के आसपास है। तो योगी जी, क्या हो गया ये? या तो बहुसंख्यक समाज ने आपकी बात नहीं सुनी, या फिर बहुसंख्यक समाज ने पठान का जमकर विरोध नहीं किया, या फिर बहुसंख्यक समाज बीजेपी के एजेंडे को समझ गया कि बीजेपी फिल्म की आड़ में, भगवा रंग की आड़ में कम्युनल हेट्रेड फैला रही है, रिलीजियस हेट्रेड फैला रही है। शायद योगी जी आपको यही नहीं पता कि हमारा बहुसंख्यक समाज इतना बेवकूफ और इतना नासमझ नहीं है कि बिना किसी रीजन के जबरदस्ती हर फिल्म को बॉयकॉट करे। पठान रिलीज भी हो गई, एडवांस बुकिंग में भी रिकॉर्ड कायम किया, फर्स्ट डे कलेक्शन भी पठान का हाईएस्ट रहा, और शायद आगे भी ऐसी अच्छी कमाई करेगी। इससे एक बात तो बहुत ज्यादा स्पष्ट है, अनपक चाहे कितनी झूठ बोल ले, बीजेपी चाहे कितनी हेट फैला ले, भारत के लोगों को सही और गलत में फैसला करना आता है। जय हिंद।